ओके सो दिस इज लेक्चर एट ऑन एन एल एम एंड पॉसिबली द लास्ट लेक्चर आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ओके बहुत इंटरेस्टिंग uh, टॉपिक है तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन और अभी तक हमने जो सर्कुलर मोशन इतना सारा पढ़ा था वो क्या था ठीक है तो वो जो सर्कुलर मोशन था इट वाज हॉरिजॉन्टल हम क्या बात कर रहे थे हम किसी एक प्लेन रोड पे ऐसे कर्वड मोशन की बात कर रहे थे ठीक है वर्टिकल क्या है वर्टिकल टू तो द प्लेन मतलब पर पेंडिकुलर टू द प्लेन सपोज एक टायर मूव कर रहा है तो टायर जो है इट इज हॉरिजोंटल टू द रोड ठीक है वो वाला मोशन इट इज नोन एज वर्टिकल मोशन ठीक है तो वर्टिकल क्या है पर पेंडिक्युलर टू द ग्राउंड और फिर वो रोटेट कर रहा है दैट टाइप ऑफ मोशन ठीक है जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली और मैं उसको इस तरीके से घुमा रही हूँ ओके सो दैट पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज वर्टिकल मोशन ठीक है तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं सपोज एक स्ट्रिंग है उससे मैंने एक मास को बांध दिया अब आप मास को थोड़ी सी विलोसिटी दोगे वो ऊपर जाएगा सपोज वो यहाँ पर पहुँचा और वो वही सर्कुलर पाथ फॉलो करके नीचे आ गया आपने उसको थोड़ी और ज़्यादा विलोसिटी दी वो यहाँ पर पहुँचा और वही सर्कुलर पाथ फॉलो करके नीचे आ गया ठीक है अब अब जब ये इस 90 डिग्री पर होता है फर्स्ट क्वारंट में यहाँ पर था तो सेम जगह वापस आ गया यहाँ पे पहुँचा फिर भी सेम पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ गया यहाँ ऊपर पहुँचा फिर नीचे आ गया लाइक अ पेंडुलम ठीक है सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है अब वॉट हैपन्स वेन इट क्रॉसेज द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो जैसे इस तरीके से है ये आपका स्ट्रिंग है यहाँ तक गया वापस आ गया यहाँ गया वापस आ गया सेम सर्क्यूलर पाथ फॉलो करते हुए अब जब ये बाहर निकलता है ठीक है अब अगर इसके पास अच्छी खासी विलॉसिटी है बहुत अच्छी खासी विलॉसिटी है तो ये अपना पूरा सर्कल ऐसे कम्प्लीट कर लेगा बट अगर इसके पास विलॉसिटी अच्छी नहीं है तो क्या होगा ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे आ जाएगा इसका एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं तो जैसे ये एग्जाम्पल है आपका अगर वेलोसिटी खूब अच्छी खासी है इसके पास तो देखो ये पूरा सर्कुलर पाथ इस तरीके से फॉलो करते हुए वापस जा रहा है ठीक है पूरा सर्कल क्रॉस करते हुए जा रहा है क्योंकि इसको इतनी हाइट से छोड़ा गया था तो इसके पास वेलोसिटी अच्छी खासी थी ठीक है अगर ये वेलोसिटी इतनी नहीं है तो क्या होगा तो देखो इस तरीके से अगर इसके पास बहुत वेलोसिटी नहीं है तो ये क्रॉस नहीं किया और ये ऐसे प्रोजेक्टाइल फॉर्म करता हुआ इस तरीके से नीचे आ गया ठीक है ये दूसरा केस हुआ ओके तो आपको दोनों केसेस क्लियर हो गए कि क्या क्या होता है या तो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक तो वापस सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ जाएगा लेकिन अगर इसके ऊपर गया वो तो उसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं या तो वो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है या फिर क्या होता है कि वो ऐसे प्रोजेक्टाइल फॉर्म करते हुए नीचे गिर जाता है तो ऐसा होता क्यों है वो देखेंगे तो अभी हम जिस सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं वो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं दैट अ स्ट्रिंग इज अ मास इज अटैच टू अ स्ट्रिंग वो वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है तो स्ट्रिंग होगी तो टेंशन आएगा पिक्चर में तो देखो सपोज दिस इज योर पॉइंट पी जहाँ तक वो मास जा रहा है ठीक है अब यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होंगी तो सपोज ये जो मास है आपका ठीक है इस ये यहाँ तक पहुँचा है विथ सर्टेन विलोसिटी पॉइंट पी तक पहुँच गया है और इसने कितना एंगल कवर किया है थीटा एंगल कवर किया है अब जब ये पॉइंट पी पर पहुँच चुका है ये स्ट्रिंग इस तरीके से था अब ये पॉइंट पी पर पहुँच चुका है तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक तो एम एक्ट कर रही है ऑब्वियसली नीचे एक्ट कर रही है ठीक है थीके? और उसके बाद जो टेंशन है वो तो हमेशा अलोंग द सेंटर एट रेडियस एक्ट करता है अंदर की तरफ ओके okay? अब ये जो एम है इसको रिज़ोल्व करेंगे अगर आप जोमेट्री uh, लगाओगे तो आपको ये वाला जो एंगल है वो भी थीटा मिलेगा ठीक है अब ये थीटा है तो इसको रिज़ोल्व करोगे दिस विल बिकम योर एम जी कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम योर एम जी साइन थीटा ओके अब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी लग रही होगी हर पॉइंट पे और हमें पता है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट लगती है हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट लगती है तो ये इसकी वेलोसिटी लग रही है इज इज क्लियर तो ये इसकी वेलोसिटी है यहाँ ठीक है तो अब चूंकि इसको सर्कुलर मोशन कवर करना है तो मुझे बताओ क्या चाहिए कौन सी फोर्स चाहिए इसको ऑब्वियसली इसको सेंट्रपिटल फोर्स चाहिए ओके अब जो सेंट्रपिटल फोर्स चाहिए वो उसका फॉर्मूला क्या होगा

consider motion of a small body tied to one end of a string and whirled in a vertical circle at any time let body be at point p tha point p the various forces acting at point p are mg which is vertically downwards tension t which is towards the centre and let v be the velocity at p then the necessary fc that means the centripetal force is given by बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय आर वोस टी माइनस एम जी कॉस्टिटा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है हम चाहते हैं कि जो सर्कल है वो कम्प्लीट हो जाए मतलब ये जो स्ट्रिंग थी जिस जिसपे मास अटैच था वो अपना कम्प्लीट कर ले सर्कल uh, तो उसके लिए क्या होता है अगर ये जो टॉपल करती है जो अंदर गिर जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन करके वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं करती है वो क्यों होता है उसका रीज़न है कि उस पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो हो जाता है जैसे ही आपका स्ट्रिंग पे टेंशन ज़ीरो हुआ तो वो क्या करेगी लूज पड़ जाएगी ठीक है ये स्ट्रिंग अच्छी भली जा रही थी वो लूज़ पड़ गई इस पॉइंट पर इसलिए वो इस तरीके से नीचे गिर गई ठीक है स्ट्रिंग लूज़ हो गई इसका मतलब क्या है कि टेंशन ज़ीरो हो गया ओके okay. टेंशन ज़ीरो हो गया तो अब हमें करना क्या है हमें इस तरीके से उस मास को उस स्ट्रिंग को फेंकना है कि किसी भी पॉइंट पर टेंशन ज़ीरो ना हो अगर टेंशन बच टेंशन ज़ीरो नहीं हुआ ठीक है तो कंप्लीट हो जाएगा सर्कल अब किस पॉइंट पर चांसेस हैं कि टेंशन जीरो होगा वो अभी हम देखते हैं तो देखो टेंशन का के लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया एम वी स्क्र बायर प्लस एम जी कॉ सीटा इक्व टू टी हम दो पॉइंट्स देख लेते हैं एक तो हम देखते हैं लोएस्ट पॉइंट अगर हम लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो थीटा कितना होगा जीरो होगा मतलब अगर मैं इस थीटा की जगह जीरो डाल दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग में इस टाइम पर टेंशन कितना है ठीक है एंड अगर मैं हाइएस्ट पॉइंट की बात करूँ क्योंकि देखो अगर वो इस पॉइंट से क्रॉस कर गई आपकी स्ट्रिंग अगर इस हाइएस्ट पॉइंट से क्रॉस कर गई तो तो वो हंड्रेड परसेंट अपना सर्कल कंप्लीट करेगी गिरने के चांसेस कब है जब वो इससे नाइन्टी से नीचे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो वो अपना सेम पाथ फॉलो करते हुए नीचे आ जाएगी ठीक है अगर वो इसके आगे निकल गई तो वो अपना सर्कल हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट कर लेगी तो अब प्रॉब्लम कहाँ है जहाँ पे वो अपना सर, वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन में नहीं चल रही होगी इस यहाँ पर किसी पॉइंट पर ठीक है तो हमारा काम क्या है कि बस वो इस पॉइंट के आगे निकल जाए मतलब इस पॉइंट तक अगर टेंशन जीरो नहीं हुआ तो हमारा वर्टिकल जो सर्कुलर मोशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा इज दिस क्लियर इसलिए हम लोएस्ट पॉइंट पर चेक कर रहे हैं जहाँ पे थीटा इज जीरो एंड हाइएस्ट पॉइंट पर थीटा क्या हो गया वन एटी डिग्री तो अगर हम हाइस्ट पॉइंट पर थीटा की जगह वन एटी पुट करके हमें टेंशन मिल जाएगा अगर वो जीरो ना हुआ तो हमारा जो ये सर्कुलर मोशन है मतलब जो मोशन है वो सर्कुलर होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा इज दिस क्लियर तो टी हाइस्ट पे हम थीटा को क्या रख रहे हैं 180 डिग्री तो टी एच लिख देते हैं उसको एम वी एच स्क्वायर वी की जगह वी एच की हाइएस्ट पॉइंट पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी ठीक है अपॉन आर प्लस एम जी कॉस वन एटी डिग्री अब जो कॉस वन एटी डिग्री होता है वो माइनस वन होता है इसलिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी ओके लोएस्ट पॉइंट पर लोएस्ट पॉइंट पर क्या होगा एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस जीरो यानी एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी इज एस क्लियर अगर आप एक्सप्रेशन से भी देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये फर्स्ट क्वार्रंट में कभी जीरो नहीं होगा और सिर्फ यहाँ पर चांसेस हैं कि ये जीरो हो देखो आपका लोएस्ट पॉइंट पर ये आ रहा है ठीक है हर चीज़ पॉजिटिव है रेडियस पॉजिटिव है एम पॉजिटिव है जी पॉजिटिव वोसिटी पॉजिटिव एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव ठीक है जो चेंज कर सकता है जो नेगेटिव चीज़ ला सकता है दैट इज़ अफकोर्स योर थीटा एंड आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रंट में तो आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि फ़र्स्ट क्वाड्रंट में आपका आ, टेंशन कभी ज़ीरो आए क्योंकि पूरी जो क्वांटिटी है वो ज़ीरो है हाईएस्ट पॉइंट पे ज़रूर आता है क्योंकि आपको मिल रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी तो इसको आप ज़रूर ज़ीरो के इक्वल कर सकते हो समझ आ गई बात तो मैंने क्या बोला है टेंशन ज़ीरो हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पर बाकी हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तो कहीं पे ज़ीरो होगा नहीं वो हो? ठीक है तो इसीलिए मैंने बोला है कि आ, अगर आपको सर्कल कंप्लीट करवाना है तो आपका टेंशन शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो हम कंडीशन देख लेते हैं कि कब आपका जो टेंशन है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ओके तो एम वी टी एच इज ग्रेटर देन ज़ीरो की कंडीशन क्या हो जाएगी दिस पर्टिकुलर थिंग इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब एम वी एच स्क्वायेर बाय आर इज़ ग्रेटर देन एम जी एम से एम कैंसिल हो गया तो यहाँ पर uh, जो हाईस्ट पॉइंट पर विलॉसिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपकी जो स्ट्रिंग थी जो आपने फेंकी अगर वो टॉप पॉइंट पर उसके पास एटलीस्ट अंडर रूट आर जी वेलोसिटी है तो वो सर्कल कंप्लीट कर लेगी इतनी है या इससे ज़्यादा है तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और अगर इससे कम हुई तो क्या होगा यहाँ से जाएगी और ऐसे प्रोजेक्टाइल करते हुए वापस आ जाएगी इज इज क्लियर तो हमने किस चीज़ का एक्सप्रेशन निकाला है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाइस्ट पॉइंट सो दैट इट कम्प्लीट्स द फुल सर्कुल मोशन इज इज़ क्लियर तो अभी जो आपको विलॉसिटी मिली वो तो आपको हाइएस्ट पॉइंट पर मिली है कि हाइएस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए लेकिन आप फेंकोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कितनी विलॉसिटी से फेंकें कि वो सर्कल कंप्लीट हो जाए ठीक है तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है कि वी लोएस्ट uh, कितना होना चाहिए कि हम उसको कितनी विलॉसिटी दें ताकि वो हाइएस्ट पॉइंट पर एटलीस्ट अंडर रूट आर जी विलॉसिटी को मेनटेन करें इज इज़ क्लियर तो हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या स्टेट करता था दैट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट ठीक है यही चीज़ होती थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है तो अब हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे ये आपका सर्कुलर मोशन था एक तो हम लोएस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ऑब्वियसली एंड एक हाइएस्ट पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं लोएस्ट पॉइंट पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो होगी क्योंकि हाइट ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच होता है ना तो एच तो ज़ीरो है तो सारी जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके वजह से आ रही होगी काइनेटिक एनर्जी की वजह से तो लोएस्ट पॉइंट पर मैं लिख सकती हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम इन टू विलोसिटी ऐस विटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर ठीक है <coughs> अब अगर मैं हाइएस्ट पॉइंट की बात करूँ हाइएस्ट पॉइंट की तो हाइएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज़ वी एच ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम वी एच स्क्वायर इतनी हो गई ठीक है एंड हाइएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल uh, एनर्जी क्या हो गई पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी एम जी इन टू एच यानी हाइट तो देखो अगर ये स्ट्रिंग ये रेडियस आर है तो ये इधर गया अगर आपका ऑब्जेक्ट तो आपकी हाइट कितनी हो गई टू आर हो गई ठीक है तो उसी चीज़ को ढंग से लिखा है दैट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्व टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाइस्ट पॉइंट इधर हाफ एम वी एल स्क्वायर आएगा इधर हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी एच आएगा ये पता है ना क्यों एच इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्यों है क्योंकि हाइट ज़ीरो है ठीक है अब ये एच क्या हो जाएगा एच को हम टू आर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऊपर गया है ना वो तो कितना डिस्टेंस है कितनी हाइट है टू आर है ठीक है तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका ये टू इधर ले जाओगे कॉमन ठीक है उसके बाद एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा वी एल स्क्र इज ईक्व टू वी एच स्क्वायर प्लस फोर जी आर ठीक है अब आपको ये तो पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है अभी हमने निकाला था अंडर रूट जी आर तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा जी आर यानि विलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव जी आर तो वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट कितना हो गया अंडर रूट फाइव जी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी कितनी देते हो अंडर रूट फाइव जी रही है उससे ज़्यादा तभी जाके वो सर्कल कंप्लीट करेगा क्योंकि अगर आप उसको इतनी वेलोसिटी दोगे एटलीस्ट तभी हाईएस्ट पॉइंट पर उसके पास एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी होगी समझ आ गई बात ठीक है तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अ बॉडी ऑफ मास फाइव के जी इज़ वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल बाई स्ट्रिंग वन मीटर लॉन्ग ठीक है एक मीटर की स्ट्रिंग है उसको आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो

ठीक है क्योंकि आपको तो अभी तक यही पता है कि हाइएस्ट पॉइंट पर किसी चीज़ की वेलोसिटी जीरो होती है है ना ऐसा नहीं होता वो तब जीरो होती है जब एक स्ट्रेट मोशन जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है वो ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो इसलिए वो नीचे आने लग जाती है ठीक है इधर वैसा केस नहीं है क्लियर सो इफ नॉट व्हाट इज इट्स वैल्यू नो कि वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट जी ठीक है तो अब तो फॉर्मूला पता है मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम पूछा है वो कितना होता है अंडर रूट फाइव जी आर यानी अंडर रूट फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट आर तो वन है ठीक है तो ये हो गया फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट वो इज सेवन मीटर पर सेकेंड तो बॉटम पे एटलीस्ट उसके पास सेवन मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए ठीक है ओके एंड देन विलासिटी एट टॉप विल नॉट बी जीरो ऑफकोर्स अगर जीरो हो गई तो सर्कुलर मोशन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा वेलोसिटी कितनी होती है इट इज़ अंडर रूट जी आर यानि अंडर रूट नाइन पॉइंट एट विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सिमेटली थ्री पॉइंट वन फोर मीटर से ठीक है